हेलो फ्रेंड्स, आज मैं तुराई और आलू का एक रसेदार सब्जी बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैं पहले तुराई और आलू को काट के तैयार कर रही हूँ। ये मेरा तुराई और आलू काट के रेडी हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम बनाएंगे तुराई का एक रसेदार सब्जी। उसके लिए क्या क्या चाहिए देखिए। ये है तुराई, मैं काट के साफ कर लिया है। ये है आलू, ये प्याज, ये टमाटर, ये कटा हुआ लहसुन, नमक, हल्दी, इसमें हमने रखा है धनिया, जीरा और मिर्ची का पाउडर, और ये तेज पत्ता। ये सब को लेके हम बनाएंगे तुराई का एक रसेदार सब्जी। चलिए प्रोसेस देखते हैं कैसे बनाती हूँ। कढ़ाई में तेल डाल दिया है, अभी तेल गरम हो गया है, उसमें हम तुराई और आलू डाल देंगे और उसको फ्राई करते रहेंगे। बिना ढक के हम उसको फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा तुराई और आलू फ्राई हो गया है। मैं उसको एक बर्तन में निकाल ले रही हूँ। अभी उस कढ़ाई में मैं तेल डाल दिया है, तेल गर्म हो गया है, उसमें मैं दो तेज़पत्ता डाल दिया और काट के रखा था लहसुन की कलियाँ, उसको मैं मिला दिया। लहसुन थोड़ा सा सुनहरा हो जाएगा तो हम उसमें प्याज मिला लेंगे। प्याज हमारा सुनहरा हो गया है, हम उसमें अभी टमाटर मिला रहे हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी मिला दिए। धनिया, जीरा और मिर्ची का जो पाउडर था उसमें हम 1.5 चम्मच उसको मिलाए और 2 चम्मच पानी डाल के पूरा मसाला को पकने तक हम उसको चलाते रहेंगे। मसाला हमारा भून के रेडी हो गया है। हम उसमें तुराई और आलू को मिला लेंगे, मसाले के साथ सब्जी को अच्छी तरह मिलाएंगे, फिर हम उसमें पानी डालेंगे। अभी हम उसमें जितना अपने इच्छा अनुसार पानी डालेंगे, जितना हमको लिक्विड चाहिए। और हम उसको ढक के पकने तक छोड़ देंगे। अभी 4 मिनट के बाद हम ढक्कन खोले। अभी हमारा तुराई और आलू का सब्जी बन के रेडी हो चुकी है। सब्जी बन के रेडी हो गई है, जो तुराई आलू का रसेदार सब्जी।